दोस्तों, रेशम का धागा कीड़ों की मदद से बनता है, ये बात तो आपने जरूर सुना होगा। लेकिन आप इस बात को जानकर दंग रह जाओगे कि रेशम के धागे को बनाने के लिए कितने कीड़ों को अपनी जान देनी पड़ती है। दोस्तों, उल्टी सीधी वीडियोस तो हर रोज देखते ही रहते हो, लेकिन आज इस वीडियो को देखकर जाना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो, शहतूत का खेत, और इसके अंदर से इन पत्तों को काटकर रेशमी कीड़ों को खिलाया जाता है। इन जीवों को लगभग 4 हफ्ते भरपूर पत्ते खिलाए जाते हैं। उसके बाद जब ये बड़े हो जाते हैं, तो प्यूपा बनने से पहले सुरक्षा के लिए अपनी सलाइवा से एक जाल तैयार करते हैं, जिसे बोलते हैं कुकून। कीड़े लगभग 3 हफ्ते इसके अंदर रहते हैं, लेकिन उन्हें 1 हफ्ते में ही निकालकर गर्म पानी में डाल दिया जाता है, इसमें से रेशम निकालने के लिए। दोस्तों, ये बेचारे मासूम कीड़े इस गर्म पानी में मारे जाते हैं और अपनी जान के बदले हमें रेशम का धागा देकर जाते हैं, और फिर इस तरह से इसमें से रेशम निकाला जाता है। उसके बाद इसे सुखाकर इस तरह से कपड़े बनाए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इन बेजुबान कीड़ों के ऊपर एक प्यारा सा कमेंट कर देना।